ऐसे टिश्यू में ले लो बेटा। बच्चे रेडी हैं, हम भी रेडी होते हैं। ठीक नहीं मिल रही और हम लोग खड़े हैं, पति के पापा गए हैं। कितना अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है सबके, उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। आज है जी यहाँ पे तीसरा अशरा रमज़ानुल मुबारक का, माशाल्लाह से शुरू हो चुका है और मेरा है रोज़ा, हस्बैंड का भी रोज़ा है ज़ाहिर, लेकिन बच्चों में से तकी को आज रोज़ा नहीं रखवाया मैं, बस उसको अब इसने शुरू किया तो एक आधा जुम्मे का रोज़ा रखवा लेती हूँ और फिर मैं उसको नहीं रखवाती क्योंकि आगे बहुत कमज़ोर है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ कि आज मैं कुछ डिफरेंट चीज़, नाश्ता नहीं क्योंकि काफ़ी लेट उठे हैं, तो पहले उनको मैंने लस्सी दी और उसके बाद अभी मैंने उनके लिए बना रही हूँ कुछ ऐसा जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आई दिखाया मैंने क्या बना रही हूँ, पहले बता दिखा देती हूँ। ये बना रही हूँ, ये आप कह रहे होंगे ये फ्लफ़ी सा पैनकेक है, बिल्कुल भी नहीं है, पैनकेक नहीं है ये। मैं आपको दिखाती हूँ फ्लिप करके। आय हाय फ्लिप हो जा भाई। ये ना रात को मैंने बनाया था एक अदद अफ्तारी में ना, ये हमने बनाया था कल शवारमा की तरह, एक नई रेसिपी है जो आपसे शेयर करूँगी, लेकिन अभी ये हमने बनाया था चिकन को मैरिनेट किया, उसके छोटे छोटे क्यूब्स में काट के टिक्का टाइप करके उसको फिर हमने कर लिया। ये देखिए ये चिकन बचा पड़ा उसमें से, ये हमने ना वो तैयार किया था शवारमा टाइप, तो ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो तकी कह रहा था मुझे फिर वही खाना है और उसमें इसमें थे, ये देखें थोड़ा ये बैटर भी बचा था, ये थोड़ा बचा था तो ये उसकी मैं बना रही हूँ और फिर इसको अंदर मायनीज डाल के किसका मिक्सचर सा बना के मैं इसमें स्टफिंग करूँगी, ये चीज़ डालूँगी और फिर बच्चों को दूँगी नाश्ता। ये देखें फ्लिप कर, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का बन रहा है, तो बच्चे भी खा लेंगे। आखिरी अशरा आ गया है, आखिरी अशरे के बाद अभी ये है सूरत हाल के मेरे हस्बैंड को जाना पड़ रहा है पाकिस्तान। ये देखिए ये मैं साथ साथ बना रही हूँ, पाकिस्तान जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की जो है वो बस्ती है, तो वो पाकिस्तान जा रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़रा उनकी तैयारियों में मसरूफ़, इसलिए मैं भी किसी को इफ्तार पर नहीं बुला सकी, लेकिन इंशाल्लाह अभी लास्ट आखिरी अशरा शुरू हो गया है, उससे पहले इंशाल्लाह मेरा है कि मैं अपने घर पे इफ्तार रखूं या किसी भी तरीके से रोज़ादार को इफ्तारी करवाऊं। तो बस जी यहाँ पे ये बन रहा है, उसके बाद रेडी होते हैं जाते हैं इफ्तार पे। हमारी एक बहुत ही प्यारी भाभी है जिन्होंने अपने घर पे हमें इनवाइट की है इफ्तारी के लिए, तो बस बच्चों को ये देती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करती हूँ। ये बनाया जी, ये इस तरह से कुछ बनता है, बहुत टेस्टी। लो फातिमा ऐसे टिश्यू में ले लो बेटा, ठीक है, और फिनिश करना है ताकि आपने भी बेटा फिनिश करना है आप लोगों ने भी। ओके ओके। 2000 years later. तो नमाज अभी पढ़ी है और अब नमाज पढ़ लिए तो मैं आ गई हूँ तैयारी करने के लिए क्योंकि इफ्तारी पे जाना है, तो समझ सकते हैं इधर खड़ा होने का मकसद ये कि कपड़े निकालने हैं। सबसे महान युद्ध जो होता है कि बच्चों को क्या पहनाया जाए, खुद क्या पहना जाए, ये डिसाइड करना है क्या बनाएं खाने में और क्या पहने जाने के लिए, ये सबसे बड़ा मसला है। तो बस मैं अभी कपड़े निकालती हूँ कि मैंने क्या पहनना है और बच्चों को क्या पहनाना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं तैयारी। रेडी हो गए और अब मैं ये वाली सूट पहन रही हूँ, अब अपनी जल्दी से तैयारी करती हूँ, रेडी होती हूँ और टाइम भी कम है, सांस मुझे ऐसे चढ़ा हुआ भाग भाग के जी। तो ये मैं पहन रही हूँ, बच्चे रेडी हैं, हम भी रेडी होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं हूँ रेडी, ये जी बिल्कुल रेडी हूँ मैं, और अब निकलते हैं
और इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, तो चलें जी आ जाएं जाके इफ्तारी करते हैं। फातिमा आप भी रेडी हो बेटा? बाल मेरे सही है ना, फ्लफी से सही लग रहे क्योंकि लाइट्स बंद की है। चलो आप लोग नीचे चलो, मैं ज़रा अपने अपनी ड्यूटी पूरी कर लूँ, ये पूरी करूँ जो मेरी रोज़मर्रा की ड्यूटी है, इनको ऐसे छोड़ के नहीं मैं जा सकती क्योंकि शाम होने वाली है। बस अभी ये देखो उन्होंने कुछ खाया अभी नहीं, अरे ये देखें जो मैंने बनाया था तकी ने खाया, फातिमा ने खाया ही नहीं, अब ये आके समेटेंगे, इसके बाद मुझे चीखना शुरू हो जाएंगे, इससे पहले वो चीखें हम निकलते हैं। आए हाय क्यों मैं ऐसे नहीं जा सकती घर को छोड़ के, मैं सुबह चले जी लाइट्स ऑन कर देते हैं कुछ। चलो 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 मेरा बैग, हमेशा ये होता है कि मेरे मुझे ना मेरे पास ना बैग चेंज करने का टाइम भी नहीं मुझे मिलता, तो चल भूल तो नहीं गई, फ़ोन मेरे हाथ में, चलें जी बस निकलते हैं। लाइट ऑन की बाहर की, किचन का चूल्हा वूल्हा चेक कर लें, सही है सब, कार में भी थोड़ा ही टाइम रह गया ना, अभी केक भी लेना है रास्ते में से, हाँ वही ना, अभी केक रास्ते में से लेना है, अम्मी को लेना है, टाइम लग जाना है जब भी पहुँचे। भैया देखें यहाँ पे कितने लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे ये ना हरीसा तकसीम करते हैं अरबिक लोग, और ये कितने लोग आते हैं लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, नहीं अम्मी वो पहले की हुई भी, आज बैठे बैठे अभी रास्ते से केक लेना है। और अम्मी कोई बात नहीं पकड़ी, ये हमने जी लिया है केक, केक ले लिया तकी और फातिमा ने, क्या लिया दिखा, कलर लिया ग्रीन एंड व्हाइट, दांत टुटवा लेना फातिमा आप ये खाते हुए, चलो ठीक है। और तकी ने किस कलर का लिया, ग्रीन, ओके। और ये जी केक ले लिया है, बस हम निकलते हैं, बहुत कम टाइम लगे, 10 मिनट रह गए, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, आज तो सिग्नल पे भी कोई खड़ा नहीं हुआ कि खजूर ले ले, है ना, रास्ते पे रख लेते खजूर। पर ये कि आप ये ब्रिज के ऊपर से चढ़ के सीधा सीधा पार्किंग नहीं मिल रही, और हम लोग खड़े हैं पति के बाबा गए हैं पार्किंग ढूंढने, हवा अच्छी चल रही है, हम आ गए यहाँ पे जी, इफ्तारी है हमारी, तकी के बाबा जैसे आते हैं फिर जाते ऊपर, रोज़ा इफ्तार होने में बहुत कम टाइम लगे, बस पहुँचे ध्यान से। हम लोग लिफ्ट में ही थे कि अजान शुरू हो गई, लेकिन आते ही हमने पहले कहा कि इफ्तारी कर लेते हैं, सब कुछ रेडी था, भाभी ने इतना मज़े का सब कुछ बनाया हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब कुछ भाभी ने घर पर ही बनाया था, बहुत ज़बरदस्त खाना था। खैर हमने इफ्तारी की, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ा बैठ गए गपशप करने के लिए, भाभी चली गई चाय बनाने, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि आपको पता है किस तरह से फिर अनकम्फर्टेबल फील करते हैं कोई वीडियो में आना, तो मैंने बस हम लोगों ने इफ्तारी की, और बच्चे माशाल्लाह से इतने खुश थे, तकी के भी फ्रेंड बन गए और फातिमा को भी उसकी फ्रेंड मिल गई थी, ये जी भाभी की बेटी हैं जो कि बहुत ही प्यारी हैं, सब बहन भाइयों के कलर्ड आइज़ हैं, और ये मुझे इतनी क्यूट लगी, इतनी प्यारी थी ये माशाल्लाह से। तो खैर इफ्तारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई, और काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मुझे तकी को लेके जाना है डॉक्टर पे, तो बस निकलते हैं। हाँ जी तो हो गई हमारी दावत, बहुत खाया है, अभी घर जा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी दावत होगी, चलें जी। अभी लग रहा है कि सहरी के टाइम पे कुछ भी नहीं खाया जाएगा, सहरी के वक्त भी। फातिमा इधर से आ जाओ बेटा, गाड़ी किधर खड़ी की है, आ जाओ तकी। तो बस कह रहे थे कि बैठ जाए, पर हम मुझे लेके जाना था तकी को डॉक्टर के पास, तो हम जा रहे हैं जी डॉक्टर के पास, क्योंकि उसके ना थोड़ा बॉडी पे पता नहीं क्या चॉकलेट खाने की वजह से या क्या कुछ एलर्जी सी हो गई है, तो हम उसको जा लेके जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास। यहाँ पे जाए निम्या, हाँ इसको दिखाना है हर फायदा। बस जी अभी मैं तकी को लेके आई हूँ, मेडिकल सेंटर है ये, करीब में था, मैंने गूगल किया तो यहाँ पे मैंने देखा कि कोई अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, तो मैं इसको लेके आई हूँ।
तो बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कब बारी आएगी। बहुत ज़्यादा रश था तो हमने अभी डॉक्टर को चेकअप करवा दिया है और उन्होंने ये लंबी चौड़ी कुछ मेडिसिन लिख के दी हैं जिनको बस सभी लेंगे। खैर आपसे भी इजाज़त चाहती हूँ, आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।